अभी इस गाड़ी के अंदर लगा है एलपीजी सिक्वेंशियल किट, वो भी राउंड वाला, जो कि 25,000 रुपये में मैंने लगवाया था और लगभग एक साल इसको हो चुका है और कम से कम 30,000 किलोमीटर में एलपीजी पे ये गाड़ी चला चुका हूँ। तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि माइलेज क्या है या फिर एक एटम बम लेके आप गाड़ी में घूम रहे हो। तो यार सीएनजी में भी रिस्क है, एलपीजी में भी रिस्क है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी माइलेज कम दे रही है, काफ़ी लोग लगवाते हैं और काफ़ी लोग चला रहे हैं, मुझे एक साल हो चुका है, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। अभी मैं आपको इसका किट भी बता देता हूँ और इसकी वर्किंग भी बता देता हूँ। लगभग ये मुझे एक सिलेंडर जो कि मार्केट में 1200 रुपये में गाड़ी के अंदर डलता है, उसमें ये 300 से 350 किलोमीटर आराम से चल रही है एसी पे, यानी कि ये मुझे लगभग 3.5 से 4 रुपये किलोमीटर गाड़ी पड़ रही है। गाड़ी के अंदर जो किट लगा है उसमें कुछ इस तरीके का ये एक बटन आपको यहाँ पर लग जाता है। आप गाड़ी जब भी स्टार्ट करेंगे तब गाड़ी स्टार्ट पेट्रोल पे होगी हमेशा, और सर्दियों में थोड़ा 5 या 7 किलोमीटर बाद ऑटोमेटिक, जब भी आपका गाड़ी का इंजन गर्म होगा ऑटोमेटिक ये गाड़ी गैस पे आ जाएगी। इससे क्या होता है, आपकी गाड़ी की इंजन की लाइफ भी बढ़ती है और थोड़ा सा मतलब सही भी रहता है लॉन्ग टाइम के लिए। और आप यहाँ भी किलोमीटर पे देखेंगे तो मेरी गाड़ी में लगभग 90,000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, और आप हमारे इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं, ये किट जब मैंने लगवाया था गाड़ी में लगभग 60 या 65,000 किलोमीटर हुए थे। और इसका किट मैं बता देता हूँ, कुछ इस तरीके का मैंने किट लगवा रखा है इसके अंदर। तो ये है एलपीजी सिक्वेंशियल किट, वो भी मतलब मैंने राउंड सिलेंडर वाला लगवाया था लगभग 25,000 रुपये का। इसकी जो कैपेसिटी है वो है लगभग 25 किलो गैस इसके अंदर आ जाती है एलपीजी, तो लगभग लगभग 1.5 सिलेंडर आ जाता है। और पूरी करवाने के बाद इसको आप इजीली 550 किलोमीटर आप चला सकते हैं। तो यार लगभग एक साल हो चुका है, हॉनेस्ट रिव्यू मैं दे रहा हूँ, आप हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं। मतलब एक साल पहले मैंने वीडियो डाली थी, उसके अंदर मैंने पूरा सिस्टम इसका समझाया भी था, उस समय भी मैंने किलोमीटर और माइलेज बताया था। एक साल हो चुके एलपीजी किट लगवा रहे हैं, तो यार सही है, बाकी आप और अपनी रिसर्च कर सकते हैं।